हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम दो ऐसे दमदार शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया बाइंग हो सकती है, और जिस सेक्टर से ये दोनों कंपनी जुड़ी हुई है वो सेक्टर आने वाले दिनों में एक बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिखा सकता है। तो वो दोनों कंपनी कौन सी है उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस कंपनी का नाम है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई दोनों ही कंपनियां हैं ये, पहली HDFC, दूसरी SBI लाइफ। और दोनों ही कंपनी हाल फिलहाल में एक अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है, और जिस तरीके की पेंडेमिक अभी बना हुआ है और जिस तरीके की सिचुएशन हम ऑलरेडी पिछले कुछ वक्त से फेस कर चुके हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में लोग अपने इंश्योरेंस को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। तो एक चीज ऐसी होगी जो हर कोई मिडिल क्लास अपने लेना चाहेगा, और वो होगा इंश्योरेंस। और डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले दिनों में बढ़िया रैली दिखा सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम US में या फिर चाइना में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा पॉपुलर हो रहा है, जबकि इंडिया में वो उतना ज्यादा प्रिफर्ड नहीं किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब इंडिया में भी वो ट्रेंड आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। HDFC लाइफ 606 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो शेयर में कोविड के चलते ऐसी गिरावट भी आई थी कि 340 रुपए तक ये शेयर टूट गया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए जो दमदार रैली इस शेयर ने दिखाई है, पैसा बहुत ही कम वक्त में कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल करके इसने दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो वॉल्यूम ट्रेड भी काफी अच्छा खासा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 17 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड था। टेक्निकल रेटिंग हालांकि अभी यहाँ पर न्यूट्रल दिखाई दे रही, क्योंकि डेफिनेटली शेयर ने काफी बड़ा उछाल लगाया है, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकता है कि आने वाले दिन में थोड़ी सी हावी होती हुई देखने को मिल जाए। पी थोड़ा हाई है, 92 के आसपास का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 73 के आसपास देखने को मिला है। 33 के आसपास की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 18.04 है, EPS 6.55 है, डिलीवरी तकरीबन 48 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 29% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 100% लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि दमदार क्वालिटी का ये शेयर है, डरने की जरूरत नहीं है, खरीदारी आप यहाँ पर कर सकते हो, और अगर खरीदारी की है तो बने रहो, कोई डरने की बात नहीं है। कोई भी यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले दिनों में ये जो सेक्टर है ना, ये आपको एक अच्छे खासे प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम अगर देखने की भी कोशिश करें तो जून क्वार्टर में भी आप देखिए कितना बड़ा इन्होंने मुनाफा कमाया है, और काफी बड़ा ये प्रॉफिट है। लोगों ने भर भर के यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया था, 450 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ है, जो मार्च में 311 करोड़ था और इवन दिसंबर में 250 करोड़ था। तो दिसंबर से भी ज्यादा इन्होंने मुनाफा कमाया है जून क्वार्टर में, और ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें शेयर होल्डिंग की, अगर मैं आपको दिखाने जाऊं तो जरूर प्रमोटर के पास 63.69% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और FIIs ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। देखिए 8.42% की जो FIIs की होल्डिंग थी वो 21.07% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड के पास भी पहले जो 1.08% की होल्डिंग थी, सॉरी 1.80% की जो होल्डिंग थी वो आज 4.45% देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 0.74% की होल्डिंग है जो पहले 0% थी। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस ने इन कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाया है, तो मुझे लगता है कि जरूर आने वाले दिनों में शेयर अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और तो और अगर इनके टारगेट प्राइस की बात करें तो अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है। आनंद राठी की तरफ से यहाँ पर होल्ड करने की रेटिंग है और 685 रुपये का टारगेट रखा है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल अपनी राय रखी है, 600 रुपये का टारगेट रखा है। तो और मोतीलाल ओसवाल ने इससे पहले भी देखे तो न्यूट्रल रेटिंग थी 775 था, बाद में टारगेट इन्होंने इंक्रीज किया था। तो मुझे लगता है कि जरूर आने वाले जो वक्त होगा उसमें आपको इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो अच्छे खासे चहकते हुए देखने को मिल जाएंगे। HDFC लाइफ अपने रडार पर जरूर रखेगा, शेयर अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपने खरीदारी की है तो आप अभी भी इसमें होल्ड कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, या फिर
और शॉर्ट टर्म में शायद 650 रुपए के आसपास पहुंचने का दमखम रखता है, और लॉन्ग टर्म में तो ये और ऊपर तक भी जा सकता है। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, इस प्राइस पर खरीदारी कर सकते हो, और अगर आपको 600 रुपए से नीचे मिलता है तो भी अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि इस शेयर में अगर आप चाहे तो SIP कर सकते हो, हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, तीन तीन चार चार शेयर की SIP अगर आप चाहे तो कर सकते हो। उसके बाद का जो शेयर है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी का, ये शेयर है 870 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है अभी। और अगर हम देखें तो लॉकडाउन के पीरियड के वक्त ये शेयर 540 रुपए तक टूट गया था, उसके बाद बढ़िया रैली यहाँ पर आई है, हालांकि 900 रुपए तक भी ये शेयर पहुंच गया था, बाद में फिर से गिरावट देखने को मिली है। और लॉकडाउन से पहले अगर हम देखें तो 1000 रुपए से शेयर गिरना शुरू हुआ था, 550 रुपए तक से भी नीचे ये शेयर चला गया था, बाद में एक बड़ी रैली हमें देखने को जरूर मिली है, और बाद में फिर से एक थोड़ी सी गिरावट भी अभी आई जरूर है यहाँ पर। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी न्यूट्रल है क्योंकि काफी बड़ी रैली हम देख चुके हैं। पी अभी भी इसका बहुत सस्ता है, आप देखिए 60 का पी है इसका, इंडस्ट्री पी 73 है, जबकि HDFC लाइफ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो HDFC लाइफ का इंडस्ट्री पी तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि भैया सेम सेक्टर है, जबकि HDFC लाइफ का 92 का पी था जबकि SBI लाइफ का 60 का पी है। तो SBI लाइफ से काफी कम पी के ऊपर अभी सॉरी HDFC लाइफ से काफी कम पी के ऊपर SBI लाइफ का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 87 बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.93 है, EPS 14 के आसपास देखने को मिल रहा है। 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी कर लो, बढ़िया 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 मौका है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोगों की एक ही राय है खरीदारी करो, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम अगर देखेंगे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो जून क्वार्टर में इसके भी नतीजे आए, और जून क्वार्टर में हालांकि उतने अच्छे नहीं थे, सिर्फ 390 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जो कम है क्योंकि इससे पहले 530 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी कर चुकी है। हालांकि इससे पहले 390 करोड़ का ही प्रॉफिट था, दिसंबर की अगर हम बात करें, दिसंबर 2019 की बात करें तो 390 का ही प्रॉफिट था, उससे पहले सितंबर में तो 130 करोड़ का प्रॉफिट था, अब उसके पहले 370 करोड़ का प्रॉफिट था। तो याद रखिए ये जो नंबर्स है ना ये धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की अवेयरनेस अगर इंश्योरेंस को लेकर आज के वक्त में इंडिया में फैल रही है वो वाकई में काफी अच्छी है, और इससे कहीं ना कहीं इन कंपनियों का फायदा भी आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। यहाँ पर हम देखें तो 62.80% लोगों की अगर शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 62.80% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें FIs तो 19.42% की FIs की होल्डिंग आज 25.87% बढ़ चुकी है। म्यूचुअल फंड की 4.91% की होल्डिंग 4.45% है, तो कह सकते हैं कि अभी भी FIs और म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर इन्वेस्टेड है, डरने की कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े फंड हाउसेज ने भी यहाँ पर शेयर खरीद के रखे हुए हैं। तो देखिए दोनों ही कंपनी मुझे काफी दमदार लग रही है, और दोनों ही कंपनियों के शेयर का ऊपर जाने का दमखम रखते हैं। अगर मैं बात करूँ टारगेट प्राइस की तो आप देखिए जियो जी जो काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने 1018 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है SBI लाइफ में, और खरीदारी की सलाह दी है। डोलेट कैपिटल ने भी बाइंग की रेटिंग दी है और तकरीबन 1200 रुपये का टारगेट रखा है। उसके अलावा ICICI डायरेक्ट ने भी बाइंग की रेटिंग दी है और 1000 रुपये का टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। तो देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेस का बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का यहाँ पर अच्छा सिग्नल है, और ये काफी पॉजिटिव चीज भी है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए जैसे कि मैंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले दिन में काफी बड़ी तेजी दिखा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की अवेयरनेस फैल रही है कहीं ना कहीं इन कंपनियों को फायदा होगा आने वाले दिनों में। तो अगर आप लंबी दूरी के निवेशक हैं, अगर आप सोच रहे हो किसी कंपनी में निवेश करने का 2-3 साल के लिए, तो जरूर ये वो कंपनी है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि हर महीने अगर आप दो दो तीन तीन शेयर की SIP भी कर देते हो इन दोनों शेयर में तो भी आपका पैसा कहीं पे नहीं जाएगा बल्कि सेफ रहेगा, और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी आने वाले दिनों में मिलता हुआ देखने को भी मिल जाएगा। तो रडार पर रखिए इन दोनों ही कंपनी के शेयर्स को, और धीरे धीरे ही सही लेकिन थोड़ी सी बाइंग अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, और बाइंग की रख और ऑलरेडी खरीदारी की है तो होल्ड भी कर सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा ग्रो करती हुई देखने को भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और SBI लाइफ और HDFC लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल, सॉरी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।